देश में जितने चर्चे पीएम मोदी के हैं, उससे कहीं ज्यादा पीएम मोदी विदेश से सुर्खियां बटोर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि मुस्लिम देश नरेंद्र मोदी और उनके काम को खूब पसंद कर रहे हैं। तभी तो मुस्लिम देशों में मोदी एक के बाद एक कई बड़े बड़े सम्मानों से नवाजे जा रहे हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा बहरीन में पीएम मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रनेसा से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाने के बाद पीएम मोदी ने कहा, मैं द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रनेसा पाकर बहुत सम्मानित और बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। मैं मेरे लिए और मेरे देश के लिए आपकी मित्रता से भी उतना ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। इससे पहले भी पीएम मोदी को मुस्लिम देश सबसे बड़े सम्मान से नवाज चुके हैं। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से सम्मानित किया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 जून 2016 को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आमिर अमानुल्ला खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐतिहासिक अफगान भारत मैत्री बांध के उद्घाटन के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से नवाजा। वहीं मुस्लिम बहुल फिलिस्तीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 फरवरी 2018 को फिलिस्तीन में ग्रैंड कॉलर सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार विदेशी मेहमानों को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है।